एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप में से पहली बार अगर कोई मेरे चैनल पे आ रहा है तो मैं अपने चैनल पे अपनी द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस या फैन फिक्शन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हर बार की तरह वापस आएँ, वेलकम बैक गाइज, आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पार्ट टू पर आ जाते हैं। पार्ट वन मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुनी लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। ये एक फोर्स मैरिज लग थी जो वांग जी ने विंग के साथ करी है। आप चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी इस समय विंग के पेंट हाउस के बिल्कुल पास में है, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो मीडिया के लोगों ने उसकी धड़ाधड़ फोटोज़ खींचनी शुरू कर दी हैं। ये एरिया वैसे तो काफ़ी फेमस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉश एरिया है सियोल का। यहाँ पे बहुत ही कम इस तरीके से मीडिया के लोग आ सकते हैं, लेकिन आज की बात कुछ अलग है। कारण ये है कि आज एक तरीके से पूरी की पूरी कोरियन इंडस्ट्री में जैसे भूकंप आ गया हो, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द फेमस इलिंग पेटियाक, जी हाँ, इलिंग बैंड बैंड के बैंड लीडर या कह सकते हैं ग्रुप लीडर, फेमस सिंगर वांग वी वुशियान, जिन्हें लोग इलिंग पेटियाक के नाम से एड्रेस करते हैं, उनकी शादी हो जाएगी। ये शादी बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज था, और अचानक से जब फोटोग्राफ मीडिया में आए खूब तक पहुँचे तो मीडिया के लिए भी शौक था, बहुत सारे फैंस के लिए भी शौक था, क्योंकि विंग बहुत फेमस के पॉप इंडस्ट्री का पर्सन था। वो बहुत ज़्यादा फेमस है और उसकी इतना बड़ा फैन बेस है कि वो जिस ब्रांड से विंग का नाम जुड़ जाता है उस ब्रांड की सेल ट्रिपल 4 गुना तक बढ़ जाती है। और ख़ासकर जिस चीज़ के साथ विंग का अगर फोटोग्राफ आ जाए, लाइक विंग अगर कोई ब्रांडिंग मतलब क्लोथ की ब्रांडिंग को लॉन्च कर रहा है और उसने एक पर्टिकुलर जैकेट डाल के अपनी पिक क्लिक करी है, तो उस जैकेट की जैसे 2-3 घंटे में पूरी मार्केट में सेल हो जाती थी। कोई भी उस मतलब एक होता है लिमिटेड एडिशंस के, अगर विंग ने कपड़े डाल दिए तो वो लिमिटेड एडिशन से कब पब्लिक डिमांड पे कन्वर्ट हो जाते थे कि लोग उस सोच नहीं सकते थे। एक तरीके से विंग को एक ऐसा इंडस्ट्री का स्टार बोलते थे जिसे वो टच कर ले तो वो गोल्ड बन जाए, ये वाला हाल था विंग का। बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग वी वुशियान जी अपने नाम अपने मतलब कहते हैं शोहरत सिर्फ फैन बेस जो उसे मिला है उस इस वजह से नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बल्कि इस वजह से मिला है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी है। वो हर तरीके से अपने काम के लिए सीरियस भी है। यही कारण है 21 साल का विंग जब इस के पॉप इंडस्ट्री में आया था और आज वो 27 साल का हो गया है। इस 6 साल में विंग ने अब हर तरह के म्यूज़िक, हर तरह के स्टाइल में सॉन्ग गाया है। उसके डांस मूव्स हो, उसकी स्टेज परफॉर्मेंस हो, हर चीज़ में वो नंबर 1 था। यही कारण था कि लोग उसके अचानक से हुई हुई शादी से काफ़ी शौक हैं। और सब जैसे ही वांग जी अपनी कार से निकल के बिल्डिंग में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया भी उसे घेर के खड़ी हो गई है और बार बार अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछ रही है कि आप मतलब का वी वुशियान एक रिलेशनशिप में है क्या? वी वुशियान अपनी सेक्सुअलिटी के लिए श्योर नहीं थे इसलिए वो बार बार आप इस चीज़ को छुपाते थे। इन शॉर्ट मीडिया ये चांस ढूंढ रही है कि वो किस तरीके से एक गॉसिप बना सके, क्योंकि सच्चाई तो यही है इतना बड़ा के पॉप आइडल अचानक से गे निकलता है और एक किसी इंसान से अचानक से शादी कर ले, ये तो एक तरीके से फायर वाली न्यूज़ है, यानी आग लगाने वाली न्यूज़। इसी कारण वो जल्दी से कोई ना कोई गॉसिप ढूंढने की कोशिश करें। पर लांगवांग जी चाहे दिखने में बहुत सिंपल से हैं, सिंपल सा एक टक्सीडो पहना हुआ है, चेहरे पे ग्लासेस लगाए हुए हैं, बाल उनके छुप बड़े बड़े हैं जो जिससे उनका आधा माथा छुपा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हैंडसम है, लेकिन वो शांत भी हैं, इसलिए कुछ जवाब ना देके सीधा बिल्डिंग में एंट्री करने की कोशिश करें। वहीं कैशी चैन और यानी वांग जी के साथ नहीं है, लेकिन कुरैन के वो बॉडी गार्ड्स वांग जी के साथ हैं, जो कुरैन ने वांग जी के जैसे ही वो निकला था क्या कहते हैं सॉरी चर्च से निकला था तो तभी उनके साथ लगा दिए थे, इसलिए कुरैन के वो बॉडीगार्ड वांग जी को मीडिया से सेव करते हुए बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं। वैसे तो ये बॉडीगार्ड सिर्फ एक तरीके से इस बिल्डिंग के चारों तरफ ही रहने का ऑर्डर है। बिल्डिंग के अंदर और बहुत सारे स्टार्स हैं और एक तरह से आइडल हैं जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं। ये काफ़ी फेमस एक तरह से सियोल की बिल्डिंग है जिसमें बहुत सारे फेमस के पॉप आइडल्स भी रहते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए किसी और को अंदर
अंदर ज़्यादा घुसने की मतलब एक तरह से होता ना इजाज़त नहीं है, इसलिए सिर्फ वांग जी को बिल्डिंग के एंट्रेंस से यानी लिफ्ट एरिया में एंट्री करते ही वो लोग जब वहाँ से हट गए। अब वांग जी अकेला ही उस पेंट हाउस की तरफ जा रहा है, विंग के पेंट हाउस की तरफ, जिसकी की हमेशा उसके पास भी रहती थी, जिसकी की वांग जी को विंग ने ही दी थी ये कह के कि लंजा जब भी तुम कोरिया हो मेरे घर पे आके ही रुकोगे, किसी होटल में नहीं रुकोगे। जब वांग जी विंग से मिलने हर महीने कोरिया आता था तो शुरुआत में वो होटल्स में रहता था, जो वांग जी को एक तरह से सही लगता था, लेकिन विंग को बिल्कुल सही नहीं लगता था। विंग को जब पता चला था तो गुस्से में वांग जी खुद इस पेंट हाउस में हाथ पकड़ के खींच के लाया था। विंग को ये पेंट हाउस उसकी कंपनी ने नहीं बल्कि उसने खुद मेहनत से खरीद के लिया था। उसकी कंपनी तो चाहती थी वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर के साथ उस पेंट हाउस में ना रह के वहीं रहे जहाँ पे बाकी सब लोग रहते हैं, उनकी एक तरीके से एकेडमी में, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा रिच है। विंग ने इन 6 सालों में बहुत मेहनत की है, नॉन स्टॉप रात दिन रह मेहनत करके उसने पैसे बनाए थे, और उनमें से एक ये पेंट हाउस है जो उसने खरीदा था। सबसे पहले इसकी की वांग जी के साथ ही विंग ने शेयर की थी, अपनी सीजे को बताया था कि उसने ये पेंट हाउस सिर्फ वांग जी और अपने लिए ही लिया है, क्योंकि वांग जी जब यहाँ आके होटल्स में रहता था तो उसे बुरा लगता था, और वैसे भी वो एक अपना भी घर चाहता था कोरिया में, जहाँ वो अकेले अपना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में था, एक सीरियस रिलेशनशिप में, जिसके कारण वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहता था। पब्लिक एरिया में अगर वो जाता तो कोई ना कोई उनकी फ़ोटोग्राफ्स खींच लेता, इसी कारण वो ये हाउस उसने स्पेशली अपनी पर्सनल रीजंस के कारण लिया था। और वांग जी को जब पता चला था कि विंग ने ये उसके लिए लिया था तो वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन जब उसे ये भी पता चला था कि उसके लिए और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था तो उसे थोड़ा दुख भी हुआ था। लेकिन आज उस पेंट हाउस के बाहर खड़ा हुआ वांग जी उस की को अपने हाथ में लेके मन में सोच रहा है क्या करे वो, क्या वो अंदर जाए। विंग उससे बहुत नाराज़ है, विंग शायद अभी इस समय उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, लेकिन वो विंग को आज अकेले नहीं छोड़ सकता। वो जानता है उसका ये डिसीजन जो उसने बिना विंग से डिस्कस किए ले खुद ले लिया था, उसके कारण सफ़र विंग को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी रातों रात इस तरीके से मैरिड एक तरह से सिंगर बन गया है, तो काफ़ी सारे हेटर्स उसको भी बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी सेक्सुअलिटी छुपाई, कोई कह रहा है कि वो शुरू से ही बायोसेक्सुअल था, लेकिन वो लोगों के सामने अपनी सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट ना करना नहीं करना चाहता था। वो तरीके से होता है ना, कुछ लोग जो एलजीबीटी को सपोर्ट करते हैं वो विंग के साथ सपोर्ट में खड़े हैं, तो कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिव भी लेकर बोल रहे हैं। इन शॉर्ट हर तरह से पॉजिटिव है, ये ज़रूरी नहीं है ना, कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं जो विंग को भी नेगेटिव बोल रहे हैं। और विंग के लिए उसके फैंस का फीडबैक हमेशा से उस पर बहुत इफेक्ट डालता था, वांग जी ये भी जानता है, इसलिए वांग जी डरते डरते उस की को उस रूम गेट में डाल के खोलने से पहले ही अचानक से वो डोर खुद ही खुल जाता है, और सामने विंग है। विंग का फेस पूरी तरह से रेड है, विंग के आप वो पहले की तरह टक्सीडो नहीं बल्कि अपनी सिर्फ शर्ट में है, जिसके उसने आगे के बटन खोल के फोल्ड करे हुए हैं, पूरे चेहरे पे बाल बिखरे हुए हैं। शायद विंग काफ़ी गुस्से में है, और ये उस चीज़ का वांग जी को प्रूफ भी मिल जाता है जब वो थोड़ा सा फ्लैट मतलब अपने अपार्टमेंट के अंदर देखता है कि अपार्टमेंट का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। वांग जी को विंग घूरते हुए गुस्से में देखता है, ओ माई हैंडसम हस्बैंड आप आ ही गए, आपको तो आना ही था, आज हमारी वेडिंग नाइट जो है, आइए अंदर आइए। एकदम से ये बोल के विंग थोड़ा सा टोंट मारते हुए वांग जी को अंदर आने के लिए बोलता है। वांग जी भी विंग के इस गुस्से को इस टोंट को समझ रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप से अंदर आके तुरंत गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता इन दोनों की कन्वर्सेशन कोई भी बाहर इस लॉबी में सुने, और इसलिए वो तुरंत गेट के अंदर बंद आके बिना विंग से कुछ बात करे जो सामान विंग ने इधर उधर फैलाया हुआ है उसे इकट्ठा करने लगते हैं, उठा के रखने शुरू कर देते हैं। अपना कोट उतार के साइड में रखे वो भी अपनी शर्ट के बाजू खोल के उसे फोल्ड करके इसका घर को साफ करने में लग जाते हैं। इस बात पे विंग गुस्से में चीखते होता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मत दिखाओ जैसे तुम्हें फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ मैंने करी है उस चीज़ से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चीज़ें तोड़ूँ या वो करूँ, तुम कुछ सही नहीं कर सकते हो, जितना तुम बिगाड़ चुके हो जितना तुम मुझे बर्बाद कर चुके हो उसके सामने ये फ्लैट साफ करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। वांग जी पे चिखता हुआ विंग बोलता है। इस बात पे विंग के इस गुस्से पे वांग जी कुछ रिएक्ट नहीं करता,
सच्चाई तो ये है। वो वापस मुड़ के इन गुस्से को, इस नफरत को जो इस समय वो विंकी आंखों में देख रहा है, वो नहीं झेल सकता। हाँ, वो सबके सामने स्ट्रांग बना, अपनी सीजी मत सॉरी अपनी सिस्टर इन लॉ और अपने ब्रदर के सामने स्ट्रांग बन के उन्हें बोल के आया कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन वो नहीं संभाल पा रहा है। वो विंकी इन गुस्से भरी नज़रों को, इन विंकी आंखों में इस नफरत को नहीं झेल पा रहा है, इसलिए वो विंग की तरफ देखता ही नहीं और अपने घर को, जिसे वो अब अपना घर ही मान रहा है क्योंकि वो विंग का हस्बैंड है, इसलिए उसे सही करने लगता है। लेकिन विंग अब इतना गुस्सा और इतना फर्स्ट्रेट होता है कि वो तुरंत वांगजी के हाथ से वो कुशन कवर जो वांगजी अभी सोफे पे सेट कर रहा था उन्हें लेके जोर से नीचे फेंकता है। बोलता, इसे ऐसे ही रहने दो, मुझे ये ऐसे ही रखना है, मुझे याद रखना है कि किस तरीके से मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो इंसान जिस पे मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था, उसने मुझे ब्लैकमेल किया, उसने मुझे मेरी सीजे की शादी तोड़ देगा इस चीज़ का ब्लैकमेल करके मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। क्यों किया तुमने ऐसा लांग वांगजी, क्यों किया? चीखते हुए विंग अब वांगजी का कॉलर को पकड़ लेते हैं। इन आंखों में आज अपने लिए नफरत और गुस्सा देख के वांगजी तुरंत विंग की तरफ देखता है। अना चाहते हुए भी विंग के हाथ को अपने कॉलर से हटाता है और थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, क्योंकि ये मेरे को करना था, तुम्हें मैंने फ़ोन किया था, मैंने तुमसे कितनी बार बोला था तुम उस वेंचिंग से दूर रहोगे, पर तुम नहीं माने, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम वेंचिंग के पास नहीं जाओगे, तुम्हें वेंचिंग से दूर रहना है, लेकिन तुम बाज ही नहीं आए थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब तुम मेरे हस्बैंड हो और पूरी दुनिया को पता है कि तुम और मैं मैरिड हैं। आज के बाद अगर तुम फिर से उस वेंचिंग के आसपास भी गए तो मैं इससे भी बड़ा कुछ करूँगा। अभी तो मैंने सिर्फ तुमसे शादी करी है, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें, तुम्हारी इस बॉडी को, हर चीज़ को अपना माफ कर दूंगा, और तुम कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या करूंगा। अचानक से वांगजी के मुंह से किक सुन के विंग को थोड़ा शौक तो लगता है, पर वो जानता है कि नया वांगजी है, ये नया लंजा है जिसे विंग पहचान ही नहीं पा रहा है। इसे विंग भी थोड़ा सा अपनी जगह से पीछे होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए और थोड़ा सा सैड होके जिन आँखों में वो हमेशा वांगजी को प्यार से देखता था, अपने पन से देखता था, उन आँखों में वांगजी के लिए नफरत भरी हुई और उतनी ही नफरत आवाज़ में भरे हुए एकदम से बोलते हैं, यही हो ना तुम, यही है असली लांग वांगजी, कितने नाटकबाज थे ना तुम लंजा, मैं सोचता था तुम इस दुनिया के सबसे स्वीट पर्सन हो, सबसे प्यारे हो, क्यूट हो, लेकिन तुम तो एक डेविल हो, एक नफरत करने वाला इंसान जिसके मन में इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था मुझे लेके। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते थे, मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इसी कारण मैं तुमसे बिना बताए कोरिया आया था ताकि तुम इन चीज़ों से बाहर निकलो, लेकिन तुम इस तरीके से इतना गिर सकते हो, मेरे पीछे इतना ऑब्सेस हो गए कि तुम मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करना चाहते हो और अब मेरी बॉडी के भी पीछे पड़ गए हो। ठीक है लांग वांगजी, तुम्हें माफ करना है ना, मुझे बनाना है ना अपना, ये कह के विंग गुस्से में अब अपने शर्ट्स के आगे के बटन खोलना शुरू कर देता है। वो इतने गुस्से और नफरत में अपने बटन खोल रहा है कि वांगजी जो पहले से शौक में है, ये सुन के कि विंग को पहले से उसकी फीलिंग के बारे में पता था, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पाता। वांगजी इस चीज़ से इतना शॉक्ड है कि विंग जानता था, क्या विंग उसकी फीलिंग्स को जानता था और उसके बाद भी उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करता था कि वो कुछ नहीं जानता? क्या विंग सचमुच अब तक जिस विंग के लिए स्ट्रेस हो रहा था, जिस विंग पे उस नफरत से वो एक तरह से कहते ना डर रहा था, अब विंग उसे अचानक से गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में विंग को बिल्कुल नहीं रोकता है और गुस्से में विंग की तरफ घूमने लगता है। वहीं विंग को लगा था कि वो ऐसा करेगा तो वांगजी उसका हाथ पकड़ेगा, उसे रोकेगा, कहेगा ऐसा क्यों कर रहे हो विंग तुम, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसके सामने गुस्से में खड़ा हुआ और सिर्फ विंग को, वांगजी को घूर रहा है, मतलब विंग को घूर रहा है। विंग को थोड़ा शौक लगता है, विंग थोड़ा रुक के अब देखने लगता है। अब वांगजी गुस्से में बोलता है, क्या हुआ, क्यों रुक गए तुम, उतारो उतारो कपड़े, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने आप को मैं सरेंडर करने का, ये सब करने का, यही सब के कारण तुम वो मैरिड जो ऑलरेडी एक शादीशुदा है उस वेंचिंग के साथ रहते थे ना, अपनी सेक्सुअल नीड के कारण, और अब तुम्हें पर ये सब चीज़ें रह के बिना रहा नहीं जा रहा, इसलिए तुम अब मेरे सामने कपड़े उतार के दिखा रहे हो, विंग के ऊपर चीखते हुए ऐसे बोलते हैं जो विंग के लिए काफ़ी शौक होता है। वांगजी उसको ऐसे मानते हैं, उसने आज तक वेंचिंग को कभी टच नहीं किया,
वो अभी भी वर्जन है, सुन के थोड़ा फनी लगता है ना। एक के पॉप जो अब तक इतने सारे गर्लफ्रेंड्स के नाम, मतलब कुछ कॉलेज टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो एक लड़की के साथ बहुत सीरियस रिलेशनशिप में था, उसके बावजूद भी वो वर्जन है, ये चीज़ थोड़ा शॉक लगती है। और उससे ज़्यादा शॉक उसे ये सुन के लगता है कि वांग जी को लगता है कि वो मैनचिंग के साथ इस टाइप के रिलेशनशिप में था, वो चीज़ भी उसे थोड़ा शॉक लगती है। और उससे ज़्यादा शॉक लगता है कि वांग जी उसे रोक नहीं रहा है, बल्कि चाह रहा है कि वो ये सब कंटिन्यू करे। वी अपने ही शौक में था, लेकिन उससे पहले अब वांग जी गुस्से में विंग के पास आके खुद उसकी शर्ट को ज़ोर से उसकी बॉडी से अलग कर देता है और बोलता है ठीक है चलो अपनी वेडिंग नाइट बनाते हैं। और ये बोल के वो विंग का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे अपने रूम में ले जाने लगता है। विंग के लिए चीज बहुत शौक थी, वहीं वांग जी को इस समय विंग पे बहुत गुस्सा रहा, उसे बहुत हर्ट फील हो रहा है। वो विंग को प्यार करता था, उसे कभी विंग के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, लेकिन विंग उसकी फीलिंग्स को जानने के बाद भी ऐसे प्रिटेंड करता था, उसे नहीं पता है कि ये एक मजाक था जो विंग उसके साथ कर रहा है। विंग के सामने वो वांग जी हमेशा विंग को सपोर्ट करता था, वो जानता था कि विंग उसकी फीलिंग शायद ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो गे है, विंग गे नहीं था। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि विंग उसकी फीलिंग्स को जानने के बाद ऐसा प्रटेंड करे कि वो कुछ जानता ही नहीं। शायद एक बार ही सही वांग जी के सामने एक बार उसकी फीलिंग को एड्रेस तो करता। यही कारण था कि वांग जी इतना हर्ट और इतना गुस्से में है, क्योंकि वो ये विंग के ये सच जानने के बाद भी नॉर्मल रिएक्ट करने से कहीं ना कहीं हर्ट है। उसे लग रहा है कि विंग उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था, इसलिए गुस्से में वो भी आज कुछ गुस्सा में गलत कर देते हैं। वो गुस्से में विंग को रूम में लाके जोर से बेड पे गिरा देते हैं और गुस्से में विंग का फेस पकड़ के उसे फोर्सफुली किस करने लगते हैं। विंग और वांग जी का ये किस में कहीं प्यार नहीं है, कहीं एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग शो नहीं कर रहा है। एक तरफ गुस्सा है, नफरत है, एक तरफ हर्ट और दुख है, दोनों एक दूसरे को जोर, मतलब वांग जी विंग को फोर्सफुली किस कर रहा है और विंग अपना फेस इधर-उधर कर रहा है, क्योंकि उसे विंग मतलब ये किस नहीं करना है। गुस्से में आके अब विंग वांग जी को बहुत जोर से धक्का देता है, जिसके कारण वांग जी बेड से थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है। गुस्से में अब वो अपने बेड से उठ के एकदम से वांग जी के फेस पे जोर से थप्पड़ मार देता है। ये थप्पड़ एक तरीके से आज इन दोनों के बीच की एक बहुत बड़ी दरार बन गया। वांग जी को आज तक उसकी फैमिली में से किसी ने कभी टच नहीं किया था। बाहर उसे बुली के टाइम पे लोगों ने पीटा जरूर था, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स कभी उस पे हाथ नहीं उठाते थे। और विंग, उसका वो विंग जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, आज उसके विंग ने उसको मारा है। शायद विंग ने ये गुस्से में मारा है, लेकिन वांग जी के तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो तो सिर्फ अपने विंग को सेव करना चाहता था। उसने क्या गलत किया? क्या वांग जी की जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा नहीं करता? उसने अपने कुछ सेल्फिश मोटो के लिए या विंग को पाने के लिए उसके साथ ही फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज नहीं करी है? उसने उसे विंग को सेव करने के लिए की है। वो विंग को अभी कुछ बताएगा भी तो क्या विंग सुनेगा? बिल्कुल नहीं। उसने अगर विंग मतलब सुनी होती विंग ने उसकी, तो शायद आज वांग जी को ये करना भी ना पड़ता। लेकिन वांग जी के लिए ये थप्पड़ उसकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, जिससे उसके दिल के आज सारी टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके दिल में अब कुछ नहीं बचा सिवाय पेन के। वो हल्की सी होप कि शायद विंग उसे समझेगा, आज कहीं एंड हो गई। शायद यही कारण है कि आज दालांग वांग जी जो जल्दी से किसी के सामने अपने इमोशंस शो नहीं करते, हाँ वो वांग जी जो शायद लोगों के सामने बहुत सॉफ्ट और शांत रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना पिटा हो लेकिन कभी रोता नहीं था, आज उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। और जैसे ही वांग जी की आंखों में आंसू देखते हैं तो वो भी एकदम से शॉक हो जाता है। उसे इतने शार्प दिल में पेन होता है जिसकी कोई हद नहीं। उसे तो वांग जी से नफरत है, उसे तो वांग जी पे गुस्सा है। आज तो उसे वांग जी से इतनी नफरत हो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो वांग जी की जान ले ले। तो क्यों क्यों वांग जी के रोने पे उसे दुख हो रहा है? रोना तो उसे चाहिए, क्योंकि वांग जी ने फोर्सफुली उसकी सिस्टर की शादी तोड़ने की धमकी देकर उससे शादी करी है, तो रोने का टाइम तो उसका है ना। पर वांग जी क्यों रो रहा है? क्या वांग जी को उसने इतना हट कर दिया? विंग जो शायद वांग जी से बहुत नाराज है, वांग जी से उसे नफरत हो रही है, उस पर गुस्सा भी है, उसके बावजूद भी वो वांग जी को एक टाइम से बहुत ज़्यादा अब प्यार एक होता ना एक अफेक्शन फील करता है। 14-15 साल से ये लोग साथ में हैं, 12-13 साल की छोटी एज से थे और अब ये लोग 27-28 साल के हो गए और अब तक एक दूसरे के साथ हैं। एक बहुत बड़ा बॉन्ड है जो ये लोग फ्रेंडशिप का बॉन्ड अब तक निभा रहे हैं। उस फ्रेंडशिप के बॉन्ड में आज तक वांग जी की आंखों में विंग ने कभी आंसू नहीं देखे हैं।
और आज ये आंसू उसे भी हर्ट कर रहे हैं। वो नकाब ना उसकी बॉडी पे ना कंट्रोल करते हुए अपने हाथों से वांग जी के फेस को टच करके उसके आंसू को पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वांग जी पीछे हो जाते हैं। उसका वांग जी विंग का हाथ वांग जी के फेस को टच कर पाता उससे पहले ही वांग जी अब पीछे होके वहाँ से मुड़ के जैसे चला जाता है और जोर से वो गेट बंद होता है। ये गेट बंद, ये दीवार, ये दरवाजे के एक तरफ हमारा वांग वांग जी है और एक तरफ वी वुशियान है। वांग जी को रोते देख के आज विंग के दिल में भी बहुत शार्प पेन हो रहा है। दर्द तो उसे आज सुबह से ही हो रहा था। ये शादी, ये फोर्सफुल शादी उसके लिए भी बहुत हार्ड थी, लेकिन ये दूरी जो अब इन दोनों के बीच में है ये बहुत बड़ी दूरी है। क्यों क्यों हुआ इन दोनों के बीच में ऐसा? एक दूसरे के लिए जान छिड़कने वाले एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जो एक दूसरे की हर चीज़ को जानते हैं, हर फीलिंग्स को समझते थे, उसके बावजूद भी एक दूसरे के लिए से इतनी दूर कैसे हो गए? क्या हुआ है इन दोनों के बीच में? चलिए थोड़ा जान लेते हैं। आज से करीबन 2 महीने पहले जब वांग जी हर मंथ की तरह इस मंथ भी कोरिया के लिए निकलने के लिए अपने घर में पैकिंग कर रहा था, तो दौड़ते हुए उसके प्यारे से 2 ट्विंस नेफ्यू दौड़े दौड़े उसके पास है, जो लैन जिंगी और लैन शिजोई हैं। लैन जिंगी और लैन शिजोई इस लैन मेंशन की जान है। ये दोनों प्यारे से क्यूट से 10-10 साल के मतलब 10 ईयर ओल्ड बेबीज हैं, जो हमेशा वांग जी और विंग के आसपास रहते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा नोटी भी हैं। जहाँ जैसे शिजोई शांत रह के अपनी शरारतों को छुपा लेते हैं, वहीं जिंगी बदमाशी और अपनी शरारतों को एकदम से अपने चुलबुले अंदाज के कारण पकड़ में ले आता है। पर उसके बावजूद भी ये दोनों हमेशा हमेशा घर की शान है। इसलिए आज भी जब वांग जी अपना सामान पैक कर रहा था तो ये दोनों भी अपनी पूरी लिस्ट लेके पहुंच गए थे कि अब घर वो कोरिया जा रहे हैं, उनके शैन अंकल से मिलने जा रहे हैं, तो उनको क्या दें, उनके लिए क्या लाएं और बहुत सारी बातें। और ऐसा ही हाल कुछ याली का भी था। याली बहुत सारे खाना विंग की फेवरेट फेवरेट डिशेस पैक करके वांग जी के बैग में पैक कर रही थी। वहीं जैसे अलांशी चैन पीछे बैठ के अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, फिर देख रहे थे कि कैसे उनकी फैमिली यानी उनके दोनों बेटे और उनकी वाइफ कैसे विंग से कैसे मिलने जाने वाले वांग जी को कितना सारी चीज़ें बता रहे हैं। ये लोग भी वैसे अगर अपने ऊपर कंट्रोल कर रख के यहाँ रुके रहते हैं, वरना ये इनका बस चलता तो ये भी वांग जी के बैग में पैक होके विंग से मिलने पहुँच जाते, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली मतलब इन दोनों के यहाँ पे स्कूल हैं और यानी अपनी बच्चों को और अपने हस्बैंड को छोड़ कर नहीं जा सकती, इसलिए ये लोग बेचारे यहाँ रह रहे हैं मजबूरी में। वहीं विंग के लिए सामान पैक करते हुए वांग जी का चाहे चेहरा नॉर्मल हो पर मन में भी खुशी है। उसे भी मन 2-3 महीने में जो ये वो विंग से मिलने जाता है वो सबसे उसके बेस्ट टाइम कमी से एक है। वैसे वो भी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री का ही पर्सन है, लेकिन वो यहाँ रहकर ही काम करता है। वो काम जो करता है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपने रियल नेम यानी लैन वांग जी के नाम से नहीं बल्कि म्यूज़िक राइट करता है। अपने दूसरे नेम हंगवंजुन के नाम से वो म्यूज़िक प्रोड्यूस और म्यूज़िक मतलब सॉन्ग राइटिंग का काम करता है, इसलिए उसका वहाँ पे रहना ज़रूरी नहीं है। वो यहाँ पे रहकर भी ये काम कर लेता है और जब वो विंग से मिलने जाता है, कुछ दिन वहाँ रहता है, उसी समय वो अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट या जो भी उसे करना हो वो उसे हैंडल कर ही लेता है। वो भी एक तरीके से एक साथ 2 काम करता है। इस बारे में सिर्फ वांग जी के अलावा अगर कोई जानता है तो उसका बेस्ट फ्रेंड, सेकेंड नंबर का बेस्ट फ्रेंड क्योंकि फर्स्ट तो उसका विंग है पर कॉलेज में बना हुआ, उसका एक दूसरा दोस्त जिसका नाम सॉन्गलैन है वो, और उसका मैनेजर यानी शाओ शिनशन जानते हैं। सॉन्गलैन और शाओ शिनशन के अलावा वांग जी ही हंगवंजुन है, ये चीज़ कोई नहीं जानता है। कभी कभी निमिंजे सॉन्गलैन और शाओ शिनशन से मिलते तो हैं, लेकिन वो भी ये अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि लांग वांग जी ही हंगवंजुन है। सब लोगों को यही लगता है कि हंगवंजुन कोई कोरियन पर्सन है जो छुपकर अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं लाना चाहता। कोई ये नहीं जानता कि हंगवंजुन एक चाइनीज पर्सन है जो कि इस तरह मतलब वो होता है ना कि यहाँ विंग का बेस्ट फ्रेंड भी है या जान पहचान का वाले, इन लोगों की जान पहचान वाला है, इन लोगों को भी आइडिया नहीं है। वहीं वांग जी एज़ यूजुअल अपना सारा सामान पैक करके अपने जो भी उसका बिजनेस है उसके रिलेटेड अपने कॉन्टैक्ट अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ आराम से चाइना कोरिया पहुँचता है।
आर्विंग का एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था जहाँ काफ़ी सारे लोग आने वाले थे। इस कॉन्सर्ट में वांग जी भी जाके खड़ा होता है। वो देखता है कि जब उसकी विंग की पूरी टीम आती है, यानी इलिंग ग्रुप स्टेज पे आता है, तो किस तरह से लोग जोर जोर से शाउटिंग करने लगते हैं। इलिंग के ग्रुप में ये चार मेंबर हैं, जिसमें विंग के और यानली का छोटा भाई यानी जनचा, विंग का कॉलेज टाइम का बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन और विंग, और लास्ट में इस कंपनी यानी वैन कॉरपोरेशन का सेकंड हायर और विंग का एक अच्छा दोस्त वैनिंग है। ये चारों लोग इस इलिंग का एक ग्रुप मेंबर्स हैं और का सबसे और इनका ग्रुप लीडर या कह देते हैं जो बेस्ट सिंग वोकलिस्ट है वो हमारा विंग ही है। जब सब लोग स्टेज पे आते हैं तो विंग को देख के वांग जी की तो एक सेकंड के धड़कन रुक जाती है। विंग एक ब्लैक कलर की जैकेट में है जो लेदर की है। उसने एक अपने जो उसके थोड़े बड़े से बाल हैं, बहुत बड़े तो नहीं पर हल्के से, जो उसके कान के पास तक उसके बाल हैं, उन्हें एक छोटी सी पोनीटेल से थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना के पीछे उसने टक इन करा हुआ है। और बहुत ब्यूटीफुल उसका वो मेकअप, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और हल्का सा, उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर रहा है। और उसके बाद उसकी वो बनी स्माइल जब वो स्टेज पर आता है, जिसको देखते ही लोगों के धड़कने और बढ़ जाती हैं। विंग की एज यूजुअल बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है। हर कोई वी वुशियान इलिंग पर ट्रैक कर करके शोर मचाता है। विंग को उसका स्टेज नेम या एक कह सकते हैं ये नेम उसी के फैंस ने दिया हुआ है, क्योंकि वो इलिंग उसके ग्रुप का नाम है और वो तो है ही सबसे टॉप का, इसलिए उसको इस नाम से एड्रेस किया जाता है। ना चाहते हुए भी विंग के नाम के जब होल्डिंग और शाउटिंग होती है तो वांग जी के दिल में भी बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ती है। उसे पता है कि इसके विंग ने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है और वो अपने विंग को सपोर्ट भी करता है। वो आज भी विंग को सपोर्ट करते हुए ऐसे ही शांत खड़ा था। विंग ने उसे कई बार बोला है कि वो क्यों भीड़ में और एक तरीके से फैंस के बीच में खड़े होकर उसका कॉन्सेप्ट सुनता है। ये वो तो बैक स्टेज से भी सुन सकते हैं, जहाँ उसे पास मतलब एक तरह से ना भीड़ में और इतने धक्का मुक्की में ना रहना पड़े। जो उसे ये भी पता है कि वांग जी को ये लोगों के पास आ रहना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वांग जी को यहीं इस तरीके से फैंस की तरह विंग का म्यूज़िक सुनना पसंद है, क्योंकि वो ये फैंस फैन की जो एक्साइटमेंट है, फैंस जो उसके फैन विंग के फैन जो बार बार विंग का नाम लेके हूटिंग करते हैं, विंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यू आर द बेस्ट कर करके चिल्लाते हैं, वांग जी को वो सुनना बहुत पसंद है। इसलिए वो यहीं इनके बीच में कई बार खुद भी विंग का नाम लेके शाउटिंग भी करते हैं, जिसे बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। कोई जानता ही नहीं, शांत से दिखने वाला वांग जी कभी कभार विंग के फैंस गर्ल्स की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन वो इस चीज़ को किसी को शो भी नहीं करता है। वांग जी जब विंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, लोग जाने लगते हैं, तो बाद में जो विंग ने उसे स्पेशल स्टेज अपना कार्ड दिया हुआ, जिसके कारण वो कभी भी बैक स्टेज जा सकता है, उस कार्ड के साथ विंग से मिलने बैक स्टेज जाने की कोशिश करता है, तो उससे तो वो देखता है कि आज उस बैक स्टेज पे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मची है। कुछ गुंडे आकर वहाँ पे तोड़फोड़ मचा रहे हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच में इतने सारे एक तरह से गुंडे आके तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ये चीज़ विंग जी को थोड़ा शॉक लगती है। वो इधर उधर विंग को देखने की कोशिश करता है। काफ़ी लोगों को सिक्योरिटी वहाँ से ले जा भी रही है, लेकिन विंग उनमें से नहीं है। जब वो इलिंग ग्रुप के पास पहुंचता है तो सब लोग कहते हैं विंग तो सबसे पहले ही सिक्योरिटी वाले ले गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ा है सब में से, तो वो बट वो यहाँ नहीं है। ये देख के वांग जी इधर उधर विंग को ढूंढता है तो देखता है कि बहुत दूर यानी स्टेज से बहुत दूर कुछ लोग विंग को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। उसे वो फ्लोर पे नीचे लेटा हुआ है और अपना फेस कवर अपने दोनों हाथों से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग लगातार विंग को हिट पे हिट कर रहे हैं। वहीं वांग जी की तरह वो विंग के ग्रुप के मेंबर्स यानी नी हुसैन, जनचा भी और विंग को ढूंढ ही रहे थे, तो ये जो चारों चीख वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ बाकी सब लोग यानी नी हुसैन जनचा सिक्योरिटी के साथ उन लोगों के पीछे करने के लिए बोले, वहीं वांग जी का ध्यान तो सब विंग पे है। वो दौड़ के विंग को अपनी गोदी में लटा के विंग विंग करके ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। उस विंग का फेस पे के साइड भी काफ़ी ब्लड बह रहा है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट लगी है।
ये देख के वांगी का दिल तो रुक ही जाता है। वो विंग 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 करके चिल्ला, तुम ठीक हो ना विंग विंग, प्लीज बोलो कुछ कुछ बोलो, चीख रहा है। अब उसकी ये हालत देख के वहां पे खड़े काफी लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े स्टार को कैसे कैसे कोई पीट के चला गया, कहाँ थी सिक्योरिटी, कहाँ थे सब लोग, सबके लिए ये चीज़ भी शौक है। उसकी खुद की कंपनी ये चीज़ बाहर ना आए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है। तुरंत उसे एक होता है ना सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी के साथ में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लिया जाता है। विंग को बहुत हालत ख़राब है, इसे तुरंत एडमिट किया जाता है, उसे आईसीयू में ले जाता है, उसका पूरा एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि उसका गला ठीक है नहीं ठीक है, उसकी कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी तो नहीं है, इन सबको चेक किया जा रहा है। इस चीज़ के बारे में वांगजी भी तुरंत अपने ब्रदर यानी लान शिचैन को बता देता है। शिचैन भी अपने बच्चों को अपने अंकल के मतलब पास छोड़ के, कुरान के पास छोड़ के यानली के साथ तुरंत फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाते हैं। शिचैन और यानली भी विंग की हालत देख के परेशान है, वहीं शिचैन तो या विंग लांग से ज़्यादा लांग वांगजी की हालत देख के परेशान है। वांगजी को तो जैसे पैनिक अटैक से आ रहे हैं, ना कुछ खा रहा है, बस विंग विंग करके बार बार इधर से उधर घूम रहा है, गेट के पास बैठा हुआ है लगातार, बस बाहर देखा वहीं देखे जा रहा है। आंखों से तो शायद उसके अब तक एक आंसू नहीं बहे, लेकिन उसकी हालत कितनी बुरी है, यहाँ रहने वाला हर पर्सन नोटिस कर सकता है। इवन जनशा जो वियानली के साथ यहाँ पे वियानली को भी हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो भी देख सकते हैं। न्यूसैन भी जानता है कि वांग जी विंग के लिए क्या फील करते हैं, क्योंकि कॉलेज में उसी ने विंग को ये चीज़ महसूस करवाई थी, उसने विंग को ये चीज़ महसूस करवाई थी कि शायद वो वांग जी उसे प्यार करते हैं, वो उसी के कारण शायद विंग को ये बात पता भी चली थी, वो भी वहाँ खड़ा हुआ है। इन शॉर्ट ये सब लोग वांगजी की हालत को समझ रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आगे जाके वांगजी को कुछ कह पाए। वहीं थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है, तो सब लोग काफ़ी कंसर्न के साथ डॉक्टर से बताए। डॉक्टर बताता है कि विंग को काफ़ी चोट लगी है, लेकिन लकली उनके इनर बॉडी पार्ट्स सारे सेफ हैं। हाँ, हाथ पैरों में बाहर से चोट बहुत लगी है, लेकिन कोई भी फ्रैक्चर नहीं है का, वो अब ठीक है शायद, और थोड़े लेट तक वो लगातार पिटते तो शायद ज़्यादा चोट लग जाती, लेकिन लकीली सही टाइम पे आप लोगों ने यहाँ लिया है। वैसे वो एडमिट रहे तो ही सही है, क्योंकि अभी वो ज़्यादा अपनी बॉडी मूव करेंगे तो उन्हें ही प्रॉब्लम होगी, करीबन एक वीक तक उन्हें रेस्ट करना चाहिए, होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हैवी है मेडिसिन उन्हें दी गई है, लेकिन वो वैसे बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनने के बाद सबकी जान में जान आती है, सबको मन में तसल्ली होती है कि लकली विंग ठीक है। वहीं वांगजी तुरंत अब जो उनके मैनेजर है यानी विंग की विंग ग्रुप का मैनेजर नी मिंजे के पास जाके गुस्से में उनका कॉलर पकड़ के गुस्से में बोलते हैं, आप मैनेजर हैं ना, मैंने सुना है आप बेस्ट हैं अपनी इंडस्ट्री के में, ये है आपके बेस्ट मैनेजमेंट टीम, आपने अपने टीम मेंबर की जान खतरे में डाल दी, अगर मेरे विंग को कुछ हो जाता तो क्या करते आप, आपकी ये सिक्योरिटी मेरे विंग का ध्यान नहीं रख सकती, कैसी सिक्योरिटी है आपकी, जोर जोर से वांगजी बिना ये सोचे कि वो लोग हॉस्पिटल में चीख रहे हैं। वहीं शिचैन भी थोड़ा सा वांगजी को शांत करता है और फिर गुस्से में नीमिंजे की तरफ देखता है। नीमिंजे और शिचैन एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि वो लोग भी एक टाइम पे स्कूलमेट थे। हाँ, तो अब वो ज़्यादा अच्छे कॉन्टेक्ट में नहीं है, क्योंकि शिचैन चाइना में रहते हैं और नीमिंजे कोरिया में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग होते हैं ना एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो शिचैन थोड़ा सा बात संभालते हैं, आराम से बोलते हैं, नहीं मिंजे मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम बेस्ट हो, प्लीज़ जल्द से जल्द पता करो ये सब क्यों हुआ है। इस बात पे नहीं मिंजे पहले इधर और उधर देखते हैं, फिर वो शिचैन और वांगजी से बोलते हैं, मुझे सब पता चल गया, लेकिन मैं तुम लोगों से इस बारे में अकेले में बात करना चाहता हूँ। इस बात पे लांग वांगजी बोलते हैं, बताइए आपको जो बात करनी है करिए, पर मुझे सच बताइए क्या पता चला है आपको। आप नहीं मुझे जब देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल में, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में सीसीटीवी होती हैं, नर्स आते हैं, डॉक्टर आते हैं, तो इतना बड़ा स्टार का मामला है, माना कि ये टॉप मतलब होता है वीआईपी के लिए बनाई हुई जगह है, थोड़ा सा सेफ्टी वाइज तो सेफ है, लेकिन है तो वो एक तरीके से कहीं भी कुछ भी न्यूज़ बाहर ना आ जाए इस तरह से वो डर है, इसलिए वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग उनके साथ इनके एक होता है ना एक बेस या ग्रुप जहाँ पे सब लोग रहते हैं, उस इंडस्ट्री एक एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में चलें। अब ये लोग उस जगह पहुँचते हैं,
अब शी चैन अब अपने ऊपर ना कंट्रोल करते हुए वांगजी को, क्योंकि वो पूरे रास्ते से बहुत संभालते हुए आ रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर वांगजी को आपको अब और रोका तो कहीं इन दोनों में लड़ाई ना हो जाए। इसे अपने ऊपर कंट्रोल ना करते बोलते हैं, बताओ मी मुझे मुझे सब बताओ, क्या पता है तुम्हें और क्यों तुम हम लोगों से इस तरह अकेले में मिलने चाहते हैं। इस ग्रुप में विंग के ग्रुप मेंबर भी नहीं है, सिर्फ विंग की फैमिली यानी यानली शिचैन और लांग वांग जी ही है। नीमिन जी बोलते हैं, कारण आप और मैं हम दोनों जानते हैं, कोई और नहीं बल्कि वेंचिंग है। ये सब वेंचिंग की वजह से हुआ है। मैंने कितने दिन पहले तुम्हें समझाया था लांग वांग जी कि अपने दोस्त को समझाओ, मैं ग्रुप के आगे ये बात नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बात अब तक ग्रुप में भी आधे लोगों को नहीं पता है, बट तुम्हें तो मैंने ये बात कितने दिन पहले बताई थी और तुमने मुझसे कहा भी था कि तुम विंग से इस बार में बात करोगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी विंग वेंचिंग के कनेक्शन में है और ये सब कुछ वेंचिंग की वजह से हुआ है। और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, इससे पहले कुछ और बोल पाते नहीं मुझे धड़ाम से उनके रूम का डोर खुलता है और रूम के अंदर एंट्री करता है वेंचिंग का हस्बैंड, जिसे देख के यहाँ सब लोग शॉक्ड है। को सब लोग जानते हैं वेंचिंग के हस्बैंड के बारे में और इसलिए वो लोग शॉकिंगली उस पर्सन को देख रहे हैं और आज का पार्ट यही रुकता है। सो गाइस आपको क्या लगता है क्या कारण है?